परिनिवृत्त जगपुरनी देवी के छोटे पुत्र आयोजक शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा परिवार व मित्रों में उपस्थित सभी को मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग व सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के अनुसार सभी के द्वारा तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व पूज्य माता जगपुरनी देवी को पुष्प अर्पित करते हुए लोकतांत्रिक सेनानी आचार्य राम अवध राव द्वारा त्रिशरण पंचशील आदि कराया गया। कोविड-19 के महामारी को देखते हुए परिनिवृत्त माता जगपुरनी देवी की 9वे परिनिर्वाण दिवस को लोकहित व जन स्वास्थ्य कल्याण के रूप में याद करते हुए मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर रामविलास भारती ने कहा कि नृत्य कुछ भी नहीं है तो दुख नृत्य कैसे हो सकता है, दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है और निवारण के मार्ग भी है। भारती जी, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? आज ये कार्यक्रम अपने गांव पे हमने जो है माता जी जो हमारी जगपुरनी देवी थी जिनका ये 9वीं आज परिनिर्वाण दिवस था और इसी को लेकर के हमने अपने गांव सभा में माचल माचल घोषी मऊ में हमने एक परिवार के साथ मित्रों के साथ हमने ये किया है कार्यक्रम। कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक तरह से हमने माता जी को याद किया है और इसी बहाने हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जो कोविड-19 को ध्यान में रख करके कि लोगों को आवश्यकता है और सभी लोग हर गांव में देखा जाए तो आजकल मृत्यु दर बढ़ गई है। हम अधिक से अधिक बहुत सी जानकारी के अभाव में ऐसा हम झेल पा रहे हैं तो हमको ऐसा लगा कि इस ऑक्सीमीटर को देकर के कम से कम हम लोगों तक ले जा सकें और हमने 7 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी को आज हमने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिया है ताकि वो अपने गांव में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है ऑक्सीजन की एक्सीजियों से तो वो देख सके और कम से कम उसे प्राथमिक स्तर पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, ये उनका प्राथमिक उपचार किया जा सके। हम पूरे देश को तो नहीं बदल सकते लेकिन हम सर्विस मैन लोग अगर चाहें तो हर एक दूसरे के अपने गांव में रह करके एक दूसरे को दूर रह करके भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का मानवीय समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा में ये ऑक्सीमीटर जो बांटने का ये आपके दिमाग में कहां से ख्याल आया? क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पूरी दुनिया को जब अध्ययन कर रहे हैं, देश को अध्ययन कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे, तो मुझे लगा कि हम प्राथमिक तौर पे हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी ऑक्सीजन कम है और जब हम ये जान नहीं पा रहे हैं तो हम उस स्तर पे उसको पता कैसे लगाएं कि उसका ऑक्सीजन कम है। तो मुझे लगा कि अगर एक ग्राम सभा में भी अगर एक भी ऑक्सीमीटर है तो हम सैनिटाइज करके और तरह तरह से उसका प्रिकॉशन देते हुए उस व्यक्ति का कम से कम हम थर्मामीटर से ऑक्सीमीटर से हम उसकी ऑक्सीजन नाप सकते हैं और उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं ताकि उसे प्राथमिक स्तर पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।